हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रयान मिशन के बारे में, यानी चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में, और चंद्रयान 2 से जुड़े कुछ क्वेश्चन का आंसर भी जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है, ये बरसात का मौसम चल रहा है, इसीलिए बाहर बहुत ज़्यादा बरसात हो रहा है और मैं ये वीडियो बरसात के बीच में रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2-3 दिन से लगातार बरसात हो रहा है। सो प्लीज़ दोस्तों, बाहर जो भी साउंड हो रहा है उसको इग्नोर कीजिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उसे देख सकें। दोस्तों, चंद्रयान 1 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के अंतर्गत द्वारा चंद्रमा की तरफ जाने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान था। इस यान के साथ एक मानव रहित यान को भी भेजा गया था, जिसको 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया था और ये 30 अगस्त 2009 तक सक्रिय रहा। इसे चंद्रमा पर पहुंचने में 5 दिन का समय लगा था, पर चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने में 14 दिनों का समय लग गया था। इस चंद्रयान 1 के उद्देश्य चंद्रमा की सतह के विस्तृत नक्शे और पानी की आशंका और हीलियम की तलाश करना था, और यही वो यान था जिसने ऐसा कारनामा करके दिखाया जिसको किसी को उम्मीद नहीं थी, विशेष रूप से नासा को, और वो था चंद्रमा पर पानी की खोज करना। दोस्तों, आखिरकार इस चंद्रयान 1 का सफलता के 11 साल बाद इसरो 12 जुलाई 2019 को 2:43 में चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया। भारत अपना दूसरा चंद्रमा मिशन 15 जुलाई को लॉन्च करने वाला था, लेकिन GSLV MK3 के क्रायोजेनिक इंजन के हीलियम बोतल में लीक के कारण इसे रोकना पड़ा था। यान के प्रक्षेपण से केवल 56 मिनट पहले इसे रोकना पड़ा। यदि सब कुछ सटीक होता तो यान अपने निर्धारित समय 15 जुलाई 2:51 पर प्रक्षेपित किया जाता। इसरो ने आधिकारिक तौर पर GSLV MK3 में आई तकनीकी खामी की पुष्टि की थी। एक विशिष्ट वैज्ञानिक ने कहा था कि इंजन में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन भरने के बाद हीलियम को भरने का काम हो रहा था। प्रक्रिया 350 बार तक हीलियम की बोतल पर दबाव डालने की थी और आउटपुट को 50 बार पर सेट करना था। हीलियम भरने के बाद हमने पाया कि दबाव तेजी से कम हो रहा है, जिससे लीक का संकेत मिला। टीम ने गैस बोतल में हुए असल लीक के स्थान का पता लगाया और उसकी कमी को दूर किया। श्रीहरिकोटा में सोमवार 15 जुलाई को देश भर के 5000 लोग पहली बार रॉकेट लॉन्च को अपनी आंखों से देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। उनको इस तरह की निराशा की उम्मीद तक नहीं थी। मिशन कंट्रोल सेंटर की VIP गैलरी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद थी। मिशन के रुकने से सभी के हाथ मायूसी लगी थी। 978 करोड़ रुपया के चंद्रयान मिशन में GSLV MK3 लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 3-स्टेज क्रायोजेनिक टेक्निक से लैस CE20 इंजन लगाया हुआ है। क्रायोजेनिक स्टेज में ईंधन की तौर पर लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीडाइजर के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसी चंद्रयान 2 से जुड़ी कुछ क्वेश्चन का जवाब जान लेते हैं। धरती से कितनी दूरी पर है चंद्रमा? ये कोई एक दिन की यात्रा नहीं है, बल्कि इसमें कई दिनों का समय लगता है। धरती और चंद्रमा की औसतन दूरी 384,000 किलोमीटर है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों को 1960 और 1970 की दशक में चंद्रमा पर पहुंचने में 3 दिनों का वक्त लगा था। क्या है यह चंद्रयान 2 मिशन? ये भारत का चंद्रमा मिशन है, जिसमें यान को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर भेजा गया है। चंद्रयान 2 के उद्देश्य क्या है? अगर चंद्रयान 2 से चंद्रमा पर बर्फ की खोज हो पाती है तो भविष्य में यहाँ इंसानों की प्रवास संभव हो सकेगा।
इससे यहाँ शोध कार्य के साथ साथ अंतरिक्ष विज्ञान में भी नई खोजों का रास्ता खुलेगा। लॉन्च के 53 से 54 दिनों के बाद चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 2 लैंड होगी और अगले 14 दिनों तक यहाँ डाटा जुटाएगा। कहाँ जाएगा ये चंद्रयान 2? चंद्रयान 2 के जरिए इसरो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जाएगा, जहाँ आज तक कोई भी नहीं पहुँच पाया है। इस जोखिम से वैज्ञानिक समुदाय को लाभ होगा। चंद्रयान 6 से 7 सितंबर को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास लैंड होगा। ऐसा होते ही भारत चांद की सतह पर लैंड करने वाला चौथा देश बन जाएगा। दक्षिण ध्रुव ही क्यों चुना? चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर अब तक कोई भी देश नहीं जा सका है, लेकिन अब यहाँ भारत अपना चंद्रयान 2 को उतार कर इतिहास रचने जा रहा है। चांद की दक्षिण ध्रुव पर सूरज की किरणें सीधी नहीं बल्कि तिरछी पड़ती है, इसीलिए यहाँ तापमान बहुत कम होता है। चंद्रयान 2 को निर्धारित कक्षा में कौन ले जाएगा? GSLV-MK3 चंद्रयान 2 को उसकी निर्धारित कक्षा में ले जाएगा। ये 3-स्टेज व्हीकल भारत का सबसे ताकतवर लॉन्चिंग पैड है। चंद्रयान 2 मिशन भारत ही क्यों लॉन्च कर रहा है? भारत अंतरिक्ष में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है, जिससे वैज्ञानिकों, इंजीनियरिंग और खोजकर्ताओं की अगली पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। दोस्तों, यही थे चंद्रयान 2 से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट बातें। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और इसी चंद्रयान 2 से जुड़ी कुछ क्वेश्चन अगर आपके मन में आ रहा है तो मुझे नीचे कमेंट में लिख के ये जरूर बताइएगा, मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कौन करेगा? सो प्लीज़ दोस्तों, जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोना।